हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का 3 लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आज 4th लेक्चर स्टार्ट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट और पढ़ना है हम लोग को सारा एंटा हिस्टामिनिक ड्रग। तो दो टॉपिक आज हम लोग को ख़त्म करना है, क्लासिफिकेशन एंड सार। ये दोनों पढ़ने के बाद आज हम लोग का ख़त्म कर देना है पूरा। इसके बाद स्टार्ट होगा H1 एंटागोनिस्ट। तो चलिए आज देखते हैं क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है फिजिकल, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग जो पढ़े हैं वो है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड हिस्टामिन रिसेप्टर। दो टॉपिक इसके पहले वाले में मैं ख़त्म कर दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया था। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को तुरंत देख लीजिए और एकदम पार्ट वन से एकदम अच्छे से सूटेबल नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि एग्जामिनेशन में पढ़े नहीं रहेंगे अच्छे से स्टार्टिंग से तो बहुत ही हार्ड लगेगा। शुरू से एकदम अच्छे से इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, तो जो ये होता है ये तीन टाइप के, तीन कैटेगरी में ये डिराइव्ड किया गया है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आर डिफाइंड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सा 3 कैटेगरी है? फर्स्ट है ड्रग एंड इनहेबिट ड्रग दैट इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है इन तीनों का? ड्रग इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ड्रग हिस्टामिन को रिलीज को रोकता है, रिलीज होने से रोकता है, वो होता है ड्रग इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज। ठीक, अब कौन कौन रिलीज करने से रोकते हैं वो तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन। तो ये क्या है? ये हिस्टामिन रिलीज एक्शन को रोकता है, तो रिलीज एक्शन को भी रोकता है। उसके बाद ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन, इसमें दोनों होता है, दोनों चीज़ को रोकता है ये। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ड्रग दैट इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज, तो ये क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ, मीन्स जो ड्रग हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है। तो कौन कौन से ड्रग रोकते हैं? वो हैं खेलिन एंड क्रोमेलिन सोडियम, यही दोनों हैं जो कि इसको हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है, ड्रग इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज। और सेकंड है ब्लॉक एक्शन रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो इसमें क्या है, ये हिस्टामिन के रिलीज के एक्शन को रोकता है, मीन्स ब्लॉक को रोकता है, मीन्स हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ये। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंटागोनिस्ट एंड H4 एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं H1 एंटागोनिस्ट। देखिए H1 एंटागोनिस्ट में हम लोग के तीन जनरेशन है, इसमें H1 एंटागोनिस्ट में तीन जनरेशन है। कौन कौन से तीन जनरेशन है उसको देखिए, H1 एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट ये जो जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, भर देंगे, जिससे ड्रग जाके हिस्टामिन से बाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, और इसके तीन जनरेशन होते हैं H1 एंटागोनिस्ट के। कौन कौन से जनरेशन होते हैं? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, एमिनो एल्किल ईथर ईथर डेरिवेटिव, एथिलीन डाई एमिन्स डेरिवेटिव, प्रोपिल एमीन डेरिवेटिव, फिनोथाइजिनोइड थाइजीन डेरिवेटिव और पिप्राजीन डेरिवेटिव। तो ये सब जो डेरिवेटिव्स हैं ये हैं फर्स्ट जनरेशन के। ठीक, H1 एंटागोनिस्ट के फर्स्ट जनरेशन के ये सब डेरिवेटिव हैं। और सेकंड जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन में देखिए क्या क्या है, सेकंड जनरेशन में है केवल टर्फेनाडीन, फेक्सोफेनाडीन एंड लास्ट है वो है सेटेजिन या सिट्रीजिन। ये हैं सब सेकंड जेनरेशन के, ये तीनों हैं सेकंड जेनरेशन के, फर्स्ट जेनरेशन के ये सब हैं। और थर्ड जेनरेशन में क्या है, थर्ड जेनरेशन में केवल दो ड्रग्स हैं, कौन कौन से, एक्रीवेस्टिन लोराटेडिन, ये दो हैं थर्ड जेनरेशन के। अब देखते हैं, ये तो थे
H1 एंटागोनिस्ट के। अब देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट जो है, ये जो H2 एंटागोनिस्ट ड्रग रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, H2 एंटागोनिस्ट। तो इसमें कौन कौन से हैं जो ड्रग रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, वो हैं काइमेटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन एंड नाइजाटिडिन। ठीक, ये इतने हैं हमारे H2 एंटागोनिस्ट के। और H3 एंटागोनिस्ट में केवल होते हैं थायोपाइरामाइड, H2 H3 एंटागोनिस्ट। और H4 एंटागोनिस्ट में क्या क्या होते हैं, वो होते हैं डॉक्सीपिन, क्लोरप्रोमाजीपिन। ठीक, ये इतने होते हैं H4 एंटागोनिस्ट के। अब देखते हैं हम लोग का कितना है। अभी तक हम लोगों ने केवल इसके बारे में पढ़ा है, ड्रग दैट इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज और ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन। तो ये हम लोगों ने ये और ये पढ़ लिया। अब हम लोग को देखना है ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन, ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन पार्ट 3। यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये क्या होता है ड्रग हैविंग ड्यूअल पार्ट। इसमें दोनों होता है, हिस्टामिन रिलीज होने से रोकता है और हिस्टामिन रिलीज के एक्शन को भी ब्लॉक करता है। तो क्या क्या होते हैं इसमें, एजिहिस्ट्रिन एंड एलोपेटिडिन, ये होते हैं। और इसमें एक पार्ट और होते हैं क्लासिफिकेशन में, जो कि मोस्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जेफ्रालुकोस्ट एंड मोंटेल्युकोस्ट। तो इतने होते हैं पार्ट इसके, ये सब हैं केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी हैं दोस्तों, अगर इजी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड लेंगे तो बहुत ही हार्ड है। हम लोग को एकदम शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है एकदम सॉलिड नॉलेज लेना है। देखिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आर डिफाइंड इंटू 3 कैटेगरी, ड्रग दैट इनहेबिट हिस्टामिन रिलीज, ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन, ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन। तो क्या होता है ये सब देखिए, हिंदी में भी शॉर्टकट छोटा छोटा लिख दिया हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। जो ड्रग हिस्टामिन की रिलीज होने से रोकता है, क्या क्या कौन सा ड्रग रोकता है, खेलिन एंड क्रोमामेलिन सोडियम। और ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन, ये क्या होते हैं, ये हिस्टामिन के रिलीज एक्शन को रोकता है, ब्लॉक मीन्स हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और इसमें 3-4 एंटागोनिस्ट पढ़ना है, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंटागोनिस्ट, H4 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट में हमारे होते हैं 3 जनरेशन, कौन कौन से 3 जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो मैं बताया वो थे एमिनो एल्किल ईथर डेरिवेटिव, एथिलीन डायमिन डेरिवेटिव, प्रोपिल एमीन डेरिवेटिव, फिनोथाइजीन डेरिवेटिव, पिप्राजीन डेरिवेटिव। और सेकेंड जनरेशन में हम लोग देखे हैं कि इसमें 3 होते हैं, टर्फिनोडीन, फेक्सोफिनोडीन, सिटीजीन या सिट्रीजीन, ये होते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में केवल होते हैं एक्रीवेस्टिन, लोराटिडिन। और H2 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से होते हैं, H2 एंटागोनिस्ट में होते हैं काइमेटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन एंड नाइजिटिन। H2 एंटागोनिस्ट जो होता है, ये होता है H2 एंटागोनिस्ट ड्रग रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ये होते हैं H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में यही सब होते हैं। H3 एंटागोनिस्ट में क्या होते हैं, H3 एंटागोनिस्ट में थायोपिरिडिन होते हैं। और H4 एंटागोनिस्ट में केवल होते हैं डॉक्सीपिन एंड क्लोरप्रोमाजीपिन। और उसके बाद हम लोग का थर्ड जो है क्लासिफिकेशन, ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन। ड्रग हैविंग ड्यूअल एक्शन में केवल है एजिहिस्ट्रिन एंड एलोपेथिडिन। और इसका जो लास्ट एक है वो है मोस्ट सेल स्टेबलाइजर, केवल 3 ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, मोस्ट सेल स्टेबलाइजर। तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं जेफ्रालुकोस्ट एंड मोंटेल्युकोस्ट। तो ये इतना है इसके क्लासिफिकेशन, एकदम अच्छे से सभी लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन इसके। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना है। ठीक, एकदम अच्छा सूटेबल सॉलिड नोट्स बनाना है आप लोग को। चलिए अब देखते हैं सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में पूरा का पूरा पढ़ते हैं। तो सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को जानने से पहले एक बार आप लोग को शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सार का फुल फॉर्म। सार का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर
एक्टिविटी एंड आर्स रिलेशनशिप। सार का पहली बात फुल फॉर्म ये होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सार का मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में क्या चेंज कर दिया जाए कि उसकी एक्टिविटी में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज होगा, इसी के स्टडी को ही हम सार कहते हैं। और जब किसी भी स्ट्रक्चर का हम सार करते हैं तो उसको पहले हम लोग कई तरीके कई पार्ट में उसको तोड़ते हैं और सभी को हर पार्ट में अलग अलग करके तब उसकी स्टडी करते हैं, वही स्टडी हमारा होता है सार कहलाता है। ठीक, तो कैसे कैसे हम इसको पार्ट में अलग करके कैसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये दो पार्ट को नंबर वन मान लेना है, इसको अलग कर देना है, और इसको मान लीजिए नंबर टू, और सी बॉन्ड सी को मान लीजिए नंबर थ्री, एंड इसको मान लीजिए नंबर फोर। तो चलिए सभी को एकदम अलग अलग करके देखते हैं, सबका एकदम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है एरिल ग्रुप, फर्स्ट वाले को देखते हैं एरिल ग्रुप। तो इसमें क्या है, कैसे क्या लिखना है उसको देखिए। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बने हुए हैं, बस आप लोग को कैसे क्या लिखना है उसको देखना है। लिखना है एट द यक्स कंपाउंड टू एरिल ग्रुप इज नेसेसरी फॉर द एक्शन दे आर फेनिल ग्रुप या फेनिल मेथिल ग्रुप। यदि वी ऐड एल्कोहल, यदि हम एल्कोहल को ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दिस रिंग दी आयोडिटी विल बी इंक्रीज, दी आयोडिटी विल बी इंक्रीज। और इसमें लिखेंगे हम लोग यदि वी अप्लाइंग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप या एनी अदर ग्रुप देन एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो एक्टिविटी इसके डिक्रीज जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे एकदम अच्छे से बना हुआ है, एरिल ग्रुप का स्ट्रक्चर यही है। तो सब यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा और स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं यक्स। यक्स में देखिए यक्स ग्रुप, तो यक्स ग्रुप देखिए व्हेन द ऑक्सीजन इज प्लेस्ड एट पोजीशन ऑफ यक्स देन एथिल एमीन ईथर इज फॉर्म एंड दिस इज आल्सो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। तो इसमें हम लोग को देखिए तीन पॉइंट पढ़ना है, कौन कौन से देखिए, मतलब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में यक्स की जगह तीन अलग अलग ग्रुप के एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि एक कभी ऑक्सीजन या कभी कार्बन या कभी नाइट्रोजन। तो ये तीनों को कैसे हम लोग एडजस्ट करके वहाँ पे कैसे किया जाता है, कैसे होता है, तो इसको हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में कैसे करना है, व्हेन द ऑक्सीजन इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ यक्स, देखिए यक्स के पोजीशन से ये रिप्लेस होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, एथिल एमीन ईथर इज फॉर्म एंड दिस इज आल्सो सो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। और यह शो करता है तब एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे सब बने हुए हैं सी बॉन्ड यन। तो इसका नाम क्या है, इसका नेम है एमीन ईथर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या ऐड करना है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है कार्बन को, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन तीनों को देखना है इसमें यक्स ग्रुप में। तो पहले सबसे पहले तो हम लोग का ऑक्सीजन हो ही गया, अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग को देखना है कार्बन को। तो कार्बन में क्या लिखेंगे, व्हेन द कार्बन ग्रुप इज प्लेस, ठीक यहाँ पे देखिए व्हेन द ऑक्सीजन इज प्लेस, ऑक्सीजन ग्रुप इज प्लेस एकदम सेम लिखना है, कुछ नहीं चेंजिंग करना है, केवल यही ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी लिख देंगे व्हेन द कार्बन इज प्लेस एट पोजीशन ऑफ यक्स, एट पोजीशन ऑफ यक्स, ठीक देन द कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ डाई एल्किल प्रोपिल ईथर, तब यह डाई एल्किल प्रोपिल ईथर के फॉर्म में होता है एंड दे आल्सो सो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। यहाँ पे यक्स एक्सिस से ये प्लेस हो जाएगा और इसके पोजीशन पे कार्बन हो जाएगा। तो ये है जो हमारा, देखिए यहाँ पे एक्स हटा और यहाँ पे सी ऐड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन, और एक जगह हमको थर्ड पढ़ना है वहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, तो डाई एल्किल प्रोपिल ईथर, ठीक।
ये जो होते हैं ये एथिल एमीन इथर एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटीज के लिए नेसेसरी होते हैं या फिर एक्शन देते हैं, एथिल एमीन इथर। और ये डाई एल्किल इथर हम लोग देख लिए, यहाँ से यक्स एक्सेस की जगह पे कार्बन आ गया है, तो हमारा कौन से फॉर्म में बना है, डाई एल्किल प्रोपिल इथर। अब देखिए सेम वही काम करना है यहाँ पे भी, थर्ड में नाइट्रोजन में, व्हेन द नाइट्रोजन ग्रुप इज प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ यक्स। इजी तरीके में पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत ही इजी है। ये तीनों जो पॉइंट इसमें यक्स ग्रुप में करना है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करना है। लिखना देखिए स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे तो लिख भी लेंगे, व्हेन द नाइट्रोजन ग्रुप इज प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ यक्स देन द कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ एथिल डाई एमीन, एथिल डाई एमीन, तब ये एथिल डाई एमीन के फॉर्म में हो जाएगा। एंड आल्सो सो एज ये भी शो करेंगे एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी को, स्ट्रक्चर बना है इसका नेम क्या है, किस फॉर्म में है, एथिल डाई एमीन। तो इफ़ वी यूज एनी अदर ग्रुप कार्बन सॉरी ग्रुप आर एटम, यदि हम यूज करेंगे कोई अदर ग्रुप या एटम देन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन देन द एंट्री हिस्टामिनिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज लास्ट। अब देखते हैं हम लोग, अभी तक तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ये एंड यक्स देख लिया, उसके बाद हम लोग को देखना है कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड यन। तो देखिए थर्ड पॉइंट जो दिया गया है एथिलीन ब्रिज, तो इसमें क्या लिखना है हम लोग को, देखिए एथिलीन ब्रिज इज वेरी इसेंशियल फॉर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एथिलीन ब्रिज जो है ये वेरी इसेंशियल है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन कार्बन चेन इसेंशियल फॉर द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी। तो एथिलीन ब्रिज में भी हम लोग कुछ पॉइंट लिख देंगे, जैसे कि ए पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद चलिए और पॉइंट देखते हैं बी में क्या लिखेंगे, सी एक दो पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे लॉन्ग में पूछ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को लॉन्ग लिखना है, शार्ट में पूछता है तो शार्ट में केवल स्ट्रक्चर ही बना के छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, व्हेन वी इंक्रीज द चेन लेंथ ऑफ एथिलीन ब्रिज या इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन चेन देन द हिस्टामिनिक एक्टिविटी इज डिक्रीज। एग्जाम्पल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 का ये चेन होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ चेन ये इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे हम लोग, व्हेन वी यूज द हैलोजन एंड अटैच द हैलोजन एटम इन एथिलीन ब्रिज देन देयर हिस्टामिनिक एक्टिविटी इज इंक्रीज, तब इसके हिस्टामिनिक एक्टिविटी जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, एज वेल एज इट इज आल्सो सो एंटी प्रेजेंस एक्टिविटी, तब ये शो करते हैं एंटी प्रेजेंट एक्टिविटी को। तो देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद HCl यहाँ पे लिख दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ द नाइट्रोजन इज 3 degree इन नेचर देन इट शो द मैक्सिमम एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी एंड इफ इट इज प्राइमरी इन नेचर देन इट शो लेस एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर आराम से यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, और किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर बताइएगा, उसको मैं फिर से समझाते हुए नेक्स्ट पार्ट में तब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक, देखिए इफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग देन देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट एंड नेक्स्ट सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट। देखिए सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट कट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना है और जल्द ही हम लोग का ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सभी लोग जिन्हें लोग वीडियो को पूरा देखे हैं तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एनी कन्फ्यूजन आर एनी डाउट देन यू आस्क डायरेक्टली मी।